दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ टॉप 5 पावरफुल बीस्ट मोटरसाइकिल अंडर 3 लाख। दोस्तों काफी सारा रिसर्च सर्वे एंड कंपैरिजन करने के बाद में मैंने 3 लाख एक्स शोरूम बजट के रेंज में 5 ऐसे बेस्ट इन द बिजनेस प्रोडक्ट को लाइनअप किया है, जहाँ आपको मिलेगा फैंटास्टिक बिल्ड, फिट फिनिश, क्वालिटी, अमेजिंग एंड कूल लुकिंग। भले आपको लॉन्ग क्रूजिंग करना हो, लॉन्ग राइडिंग करना हो, फन एडवेंचर, स्पोर्ट्स बाइक, ड्रैग रेस किंग, हर जगह आपको मिलेगा एकदम लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने पूरा और अच्छे से देख लिया ना, तो आपका विजन बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लियर होने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से कर लो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाते हुए और वीडियो को ना पूरा देखना, क्योंकि इस तरह के अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। सो दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिस्ट के नंबर 5th पोजीशन पे आता है बजाज डोमिनर 400। ये मोटरसाइकिल अपने आप में एक कमाल मशीन है। इस लिस्ट का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल है ये। इसका ओवरऑल बिल्ड, फिट फिनिश, क्वालिटी काफी हार्डकोर है। इसका ओवरऑल लुकिंग, स्टाइलिंग एंड डिजाइन काफी कूल है। ये एक नेकेड क्रूजिंग सेगमेंट का मोटरसाइकिल है। इसका सीटिंग पोस्चर कंफर्टेबल येट माइल्ड एग्रेसिव है। इसमें आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है ऑल एलईडी हेड एंड टेल लैंप्स के साथ में। इसमें आपको 373.27 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व DTSI ट्रिपल स्पार्क लिक्विड कूलिंग फ्यूल इंजेक्टेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो की BS6 कंप्लाइंट है। 13 लीटर का फ्यूल टैंक, 6 स्पीड गियर बॉक्स विद स्लिपर क्लच असिस्टेड के साथ में 25-30 किलोमीटर का AIRAI क्लेम्ड माइलेज मिल जाता है। ये इंजन मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 39.42 BHP का 8800 RPM पे और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 35 न्यूटन मीटर्स का 6500 RPM पे। फ्रंट की तरफ 320mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है 17 इंच के अलॉय व्हील्स और 43mm के USD फोक्स के साथ में। रियर की तरफ आपको 250mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है 17 इंच के अलॉय व्हील्स और मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक नाइट्रो व्हील्स के साथ में। इस मॉडल में आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, 800mm का सीट हाइट है, 157mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, बाइक का कर्व वेट 187kg का है। इस मॉडल का ऑल इंडिया एक्स शोरूम प्राइस लगभग 2,10,000 के आसपास वैरी करता है। दोस्तों लिस्ट के नंबर 4th पोजीशन पे आता है BMW G310GS। ये एक एडवेंचर क्रूजिंग सेगमेंट का मोटरसाइकिल है। इसका ओवरऑल बिल्ड, फिट फिनिश, क्वालिटी लेवल्स आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। इसका लुकिंग और स्टाइलिंग काफी जबरदस्त है। इसका सीटिंग पोस्चर काफी ज्यादा अपराइट और कंफर्टेबल है। ये बहुत ही ज्यादा हाइटेड मोटरसाइकिल है। ध्यान रखना, अगर आपका हाइट 5.7 है या फिर उससे ऊपर तो ही आपको इसमें कंफर्ट रहने वाला है। अगर आपका हाइट उससे नीचे है तो आपको काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने वाला है। इस बाइक का ओवरऑल मेंटेनेंस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इसमें आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है ऑल एलईडी हेड एंड टेल लैंप्स के साथ में। इस मॉडल में आपको 313 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व वाटर कूल्ड इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टेड BS6 पेट्रोल इंजन मिल जाता है, 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी और 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में। ओवरऑल क्लेम्ड माइलेज 30 किलोमीटर का है। ये इंजन 33.52 BHP का मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 9250 RPM पे और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 28 न्यूटन मीटर्स का 7500 RPM पे। फ्रंट की तरफ आपको 300mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है 19 इंच के अलॉय व्हील्स और अपसाइड डाउन फोक्स के साथ में। रियर की तरफ आपको 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है 17 इंच के अलॉय व्हील्स और कास्ट एल्यूमिनियम ड्यूअल स्विंग आर्म सस्पेंशन के साथ में। इस मॉडल में आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर्स के साथ में, 835mm का सीट हाइट है और बाइक का कर्व वेट 175kg का है। इस मॉडल का ऑल इंडिया एक्स शोरूम प्राइस लगभग 2,95,000 के आसपास वैरी करता है। दोस्तों लिस्ट के नंबर 3rd पोजीशन पे आता है रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT। अब अगर हम इसके बिल्ड और फिट फिनिश क्वालिटी लेवल्स की बात करें ना, तो वो बहुत ही ज्यादा हार्डकोर एंड टफ है। इसका लुकिंग एंड स्टाइलिंग वैरी करता है पर्सन टू पर्सन चॉइसेस के ऊपर। ये एक नेकेड सेगमेंट का कैफे रेसिंग मोटरसाइकिल है। इसका राइडिंग पोस्चर एग्रेसिव है। इसमें आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाता है, डिजिटल ओडोमीटर मिल जाता है, हैलोजन बल्ब मिल जाता है। इसमें आपको 648 सीसी का 2 सिलेंडर 4 वाल्व एयर एंड ऑयल कूल्ड इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टेड BS6 पेट्रोल इंजन मिल जाता है स्लीपर असिस्टेड क्लच के साथ में, 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी और 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में। AREI क्लेम्ड माइलेज लगभग 25-30 किलोमीटर का है। ये इंजन 47 BHP का मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 7250 RPM पे और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 52 न्यूटन मीटर्स का 5250 RPM पे। इसका मिड रेंज का पंच बहुत ही जबरदस्त है। फ्रंट की तरफ आपको 320mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है 18 इंच के व्हील्स और 41mm डाय सस्पेंशन के साथ में। रियर की तरफ आपको 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है 18 इंच के स्पोक व्हील और ट्विंकल ओवरशॉक सस्पेंशन के साथ में। 793mm का सीट हाइट है, 174mm का ग्राउंड क्लियरेंस है और बाइक
बाइक का कब वेट 198 केजीज का है। इस मॉडल का ऑल इंडिया एक्स शोरूम प्राइस लगभग 298,000 के आसपास वैरी करता है। दोस्तों लिस्ट के नंबर सेकंड पोजीशन पे आता है KTM RC390। इसका ओवरऑल बिल्ड फिट फिनिश क्वालिटी लेवल्स काफी ठीक ठाक है। इसका लुक फील एंड स्टाइलिंग काफी जबरदस्त है। इसका सीटिंग पोस्चर काफी एग्रेसिव है। लो मिड टू टॉप एंड का पंच भी इसमें काफी जबरदस्त मिल जाता है। पावर परफॉर्मेंस और फीचर की तरफ से देखा जाए ना तो ये काफी एडवांस मोटरसाइकिल है। इसमें आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प और LED टेल लैंप्स के साथ में। इसमें आपको 373cc का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टेड BS6 पेट्रोल इंजन मिल जाता है। एंटी हॉपिंग असिस्टेड स्लिपर क्लच 9.5 लीटर फ्यूल टैंक और 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में। इसका ओवरऑल क्लेम्ड माइलेज 25 किलोमीटर का है। इस इंजन में आपको 43.5 PS का मैक्स पावर मिल जाता है 9000 RPM पे और मैक्स टॉर्क मिल जाता है 36 Nm का 7000 RPM पे। फ्रंट की तरफ आपको 320mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है 17 इंच के अलॉय व्हील्स और 43mm के एपेक्स सस्पेंशन के साथ में। रियर की तरफ आपको 230mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है 17 इंच के अलॉय व्हील्स और एपेक्स मोनोक्रॉस सस्पेंशन के साथ में। इस मॉडल में आपको ड्यूल चैनल स्विचेबल ABS मिल जाता है ट्यूबलेस टायर्स के साथ में। 830mm का सीट हाइट मिल जाता है। 178mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बाइक का ड्राई कर्व वेट 167 kg का है। इस मॉडल का ऑल इंडिया एक्स शोरूम प्राइस लगभग 280,000 के आसपास वैरी करता है। दोस्तों लिस्ट के नंबर 1 स्पॉट को हिट करता है TVS Apache RR310। इसका ओवरऑल बिल्ड फिट फिनिश क्वालिटी काफी बेहतरीन है। इसका ओवरऑल लुकिंग स्टाइलिंग एंड फील बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। एक बड़ी स्पोर्ट्स बाइक का फील देता है आपको। इस लिस्ट का सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस पावरफुल और वैल्यू फॉर मनी बाइक है ये। इसमें आपको कंफर्टेबल येट एग्रेसिव सीटिंग पोस्चर मिल जाता है। इसका लो टू मिड रेंज का पंच बहुत ही जबरदस्त है। टॉप एंड का पंच भी काफी अच्छा है। इसमें आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है फुल मोबाइल स्टाइल में। बाय LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाते हैं। LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं। इसमें आपको 312.2cc का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड BS6 पेट्रोल इंजन मिल जाता है। 11 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी और 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में। इसका ओवरऑल क्लेम्ड माइलेज 30 किलोमीटर का है। ये इंजन मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 33.52 BHP का 9700 RPM पे और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 27.3 Nm का 7700 RPM पे। फ्रंट की तरफ आपको 300mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है 17 इंच के अलॉय व्हील्स और इन्वर्टेड कार्टिलेज टेलीस्कोपिक फोक्स के साथ में। रियर की तरफ आपको 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है 17 इंच के अलॉय व्हील्स और 2 आर्म एल्यूमिनियम डाईकास्ट सस्पेंशन के साथ में। इसमें आपको काफी सारे एडवांस फीचर लाइक राइडिंग मोड जैसे फीचर मिल जाते हैं। ओवरऑल टेक्नोलॉजिकली ये बहुत ही जबरदस्त एडवांस मोटरसाइकिल है। 810mm का सीट हाइट मिल जाता है। 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बाइक का रॉक अप वेट 174 kg का है। इस मॉडल का ऑल इंडिया एक्स शोरूम प्राइस लगभग 260,000 के आसपास वेरी करता है। दोस्तों ये थे टॉप 5 बेस्ट इन द बिजनेस हार्ड कोर मोटरसाइकिल इन इंडिया अंडर 3 लाख। वेल कौन सा वाला था आपका फेवरेट? कमेंट के थ्रू आप अपने थॉट्स मेरे साथ में शेयर जरूर करना। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर नॉलेज पसंद आया हो तो जुड़ जाओ यार इस चैनल के साथ में। चैनल को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे फिट टेक केयर बाय।